नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के जो दाव पेच का अभी तक पूरा मंजर देखने को मिल रहा था, उस पर अब एक क्लैरिटी मिल चुकी है। एनडीए में सीट शेयरिंग पूरी फाइनल हो चुकी है, फाइनल टच के साथ में अब ये सीटों का जो बंटवारा है वो खुल करके सामने आ गया। आपको बता दें कि बीजेपी को 17 सीटें, वहीं जेडीयू को 16 और उसके बाद अगर बात करें चिराग पासवान को यहाँ पर 5 सीटें मिली है, यहाँ जीतन राम मांझी को 1 सीट, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिली है। बड़ी बात यह रही कि पशुपति पारस को कहीं दूर दूर तक कोई सीट को लेकर के चर्चा यहाँ नजर नहीं आया और इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है महुआ खबर के संपादक दीपक प्रियदर्शी जी। दीपक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा मुद्दा रहा है, बीते दिन से देख रहे हैं हम, काफी ज्यादा गहमा गहमी चली है सीट शेयरिंग को लेकर के, क्या लगता है यहाँ पर सीट शेयरिंग का जो यहाँ पर मुद्दा है वो बिल्कुल साफ हो चुका है? पहले तो इस पर पूरी जानकारी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दें। सबसे पहले क्रांति, ये सीट शेयरिंग को लेकर पिछले काफी दिनों से ये चर्चा हो रही थी, लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हो गया और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अब इस बात की चर्चा हो रही थी कि एनडीए में सीटों का बंटवारा कब होगा, लेकिन आज जो है वो सीटों का बंटवारा हो गया है और अनाउंस कर दी गई है सीटें। जो अभी सीटें अनाउंस की गई है, आपने जिस तरह से बताया कि बीजेपी को 17 सीटें, यानी बीजेपी इस बार अपर हैंड में है, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में है और उसने 17 सीटें ली है। सबसे पहले उसकी जानकारी दे देते हैं, बीजेपी को जो 17 सीटें मिली है वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम। जेडीयू को जो सीट मिली है उसमें कटिहार, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, जहानाबाद, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर और झंझारपुर। हमको एक सीटें मिली है, जीतन रामाजी 3 सीटों की मांग कर रहे थे लेकिन हमको एक सीट मिली है और वो सिर्फ मिली है गया की सीट। वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा दोबारा एनडीए में वापस लौट कर आए थे, पिछली बार जब वो एनडीए में थे तो उनको 3 सीटें मिली थी पिछले इलेक्शन में, लेकिन इस बार वो उनकी स्थिति गड़बड़ाई है और उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली है, वो है काराकाट पे। लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई रहे या सबसे ज्यादा जिसे कहा जाए कि गेन हुआ तो वो है चिराग पासवान की पार्टी को। पार्टी टूटी, दो अलग अलग भागों में पार्टी बट गई, पशुपति पारस अलग हो गए, चिराग पासवान अलग हो गए। हालांकि सरकार में पशुपति पारस मंत्री भी बने लेकिन चिराग पासवान की जिसे कहें कि बाउंस बैक जो है वो बम्पर वापसी हुई और वापसी का है कि पिछले बार पूरी यूनाइटेड एलजेपी ने 6 सीट लड़ते वो चुनाव लड़ी थी, इस बार चिराग पासवान को 5 सीट मिली है और वो 5 सीट है वैशाली, हाजीपुर, समस्ती, खगड़िया और जमुई। देखिए जमुई से वो सांसद है और हाजीपुर की लड़ाई हो रही थी और इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि हाजीपुर की सीट उन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि पशुपति पारस जो है वो बिल्कुल रिजिट थे कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई बार उन्हें मनाने की कोशिश हुई लेकिन अब नतीजा ये हुआ कि सीटें जो है वो सब चिराग पासवान के पास भी गई, जमुई की सीट भी उनके पास रह गई और हाजीपुर की सीट भी मिली है। तो सीट शेयरिंग हो गई एनडीए में, अब उस पर कैंडिडेट का अनाउंस होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब सीट शेयरिंग के बाद एनडीए की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, अब पशुपति पारस वो एनडीए के फोल्डर से बाहर हो गए, यानी कि उन्हें कोई सीट नहीं मिली, अब उन्हें अपना फ्यूचर देखना पड़ेगा। क्योंकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पशुपति पारस नाराज हैं, वो महागठबंधन में जा सकते हैं, चिराग पासवान के साथ पैचअप नहीं हो रहा था, बीजेपी आलाकमान जो बात कर रही थी उसमें वो चीजें सेट नहीं हो पा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं एक नाराजगी वाली बात थी और उसका खामियाजा पशुपति पारस को भुगतना पड़ा और वो एनडीए फोल्डर से बाहर हो गए। जी, अभी आप कह रहे हैं कि एनडीए फोल्डर से यहाँ पर पशुपति पारस बाहर हो गए, इसी पर एक सवाल लेना चाहेंगे। सभी लोगों के मन में भी यही सवाल है कि जिस तरीके से पशुपति पारस और तमाम ऐसे कई और नेता जो है वो इस वक्त फोल्डर से बाहर नजर आ रहे हैं, उन नेताओं के लिए महागठबंधन ने भी अपने दरवाजे खोल रखे हैं, तो क्या लगते हैं कि अब पशुपति पारस और उनके साथ ऐसे बागी नेता महागठबंधन को समर्थन देने चले जाएंगे? देखिए, अभी कोई ऐसा बागी एनडीए में तो नहीं दिख रहा, हालांकि अभी उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल चुप है। जब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो भी चर्चा हो रही थी, मांझी नाराज हो रहे थे और
पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में एक जिसे कहे कि कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, उस समय उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल शांत रहे। हालांकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा का ये नेचर नहीं रहा है। पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो जब 3 सीटें मिली थी, सीटें बढ़वाने के लिए उन्होंने पटना में सियासी खीर और तमाम तरह के पैतरे उन्होंने आजमाए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ और एनडीए के फोल्डर से वो बाहर हो गए। अब उनको सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिली है। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट सिर्फ और सिर्फ काराकाट है, क्योंकि उनकी पार्टी भी मर्ज हो गई थी, जेडी में उन्होंने मर्ज कर लिया था, नई पार्टी बनाई थी, बहुत पार्टी का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व तो नहीं था, इसलिए उन्हें काराकाट की सीट दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस पूरे सीट शेयरिंग में बीजेपी अपर हैंड में रही, क्योंकि 16 सीटें जो जेडीयू के पास थी, और ऐसा माना जा रहा था कि क्या बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करेगी या जेडीयू कॉम्प्रोमाइज करेगी, जेडीयू अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा था, उससे पहले जब जेडीयू नहीं थी बीजेपी के साथ, तो यह माना जा रहा था कि 20+ सीटों पर जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब जेडीयू के साथ आने के बाद थोड़ा जो है कॉम्प्रोमाइज जो है वो बीजेपी ने किया है, और बीजेपी 17 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन 1 सीट ज्यादा है जेडीयू से। लेकिन इतना है कि जेडीयू 16 सिटिंग एमपी उनके थे और 16 सीट उनको मिली है, यानी नीतीश कुमार को पूरा सम्मान जो है वो बीजेपी ने दिया है। जी धन्यवाद दीपक जी। देखिए यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से बीते दिनों से गहमा गहमी चल रही थी, उसके ऊपर जब से ये तस्वीर साफ हुई है उसके बाद ये तो बिल्कुल दिखने लग गया है कि बीजेपी अपने अपर हैंड की तरह आगे बढ़ रहा है, वही सेकेंड नंबर पर जेडीयू और उसके बाद तमाम दल है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी ने तो अपना फॉर्मूला सबके सामने ला करके रख दिया है लोकसभा चुनाव का, महागठबंधन की तरफ से अब क्या तैयारी होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महुआ खबर।